वाल्टी मच्छर नहीं, फुल मच्छर रहा है। बेर इतने स्वाद हैं, अभी रोड साइड से लिए, माधवपुर क्रॉस कर रहे हैं और माधवपुर के ना बेर और अमरूद ये सीजन है। कल ही पता चला कि डायरेक्टली ना दिल्ली जो माल आ रहा है अभी माधवपुर का ही आ रहा है। बेर वाला दिखा जा रोक के खा लिया है और वाकई जो टेस्ट है ना जी बेर का, एक एक फ्लेवर आ रहा है, वो जो खटास होती है जैसे फटकड़ी लग गई हो जीभ पे, सारा मुंह एकदम से मजेदार। बड़ा सही सीनिक लोकेशन आई, सरसों दूर दूर तक लगी हुई है। जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना कि कितने चली हैं सरों का पुल बन के, आ सरों होती है जी, वो ये सरों होती है सरसों। अब वॉल्टी को ना जगह इतनी अच्छी है, एक वैसे तो हाईवे है पर एक वॉक करा देते सो दैट ये भी नज़ारे ले ले। बीच बीच में ना शॉर्ट ब्रेक्स बड़े ज़रूरी होते हैं वॉल्टी के लिए भी, मेरे लिए भी। बाल बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि आज नहाए नहीं। वॉल्टी इजी क्यों भाग रहा है यार, ये भागता बहुत है। बीच बीच में ना इसको डांड भी लगानी पड़ती है क्योंकि रोड चल रही है, बहुत चौड़ी रोड है और है सिंगल, रिस्क फैक्टर है। पर इसको नज़ारे दिखाने भी तो बनते हैं ना, जब मेरे साथ आया है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो वेकेशन होनी चाहिए ना, इसके लिए तो वेकेशन ही है। कैंपिंग का मतलब, चल बेटे अंदर चल, गुड बॉय गुड बॉय। अब देखो जी कैंपिंग, ये तो मैं एहसास कर पा रहा हूँ कि कैंपिंग क्या है। वॉल्टी के लिए तो इट इज़ जस्ट अनदर वेकेशन है ना, और रुकना ज़रूरी है, नहीं रुकूंगा तो इसके लिए बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। रोक के इसको जगह दिखाना, इसका सुसुपॉटी तो एक बहाना है, पर हाँ मैं भी थोड़ा पीठ सीधी कर लेता हूँ। और इस तरह के नज़ारे नज़ारे देखो जी, राजस्थान लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, रेत है चाहे नहीं है, मतलब यहाँ पे तो टीले नहीं है, यहाँ पे तो अच्छी खेती वेती होती है, पर जगह सुंदर है, गुड लोकेशन फॉर शूट। आज ना जी लंच करना है टाइम पे, कल भी लेट हो गया था और आज सुबह भी ब्रेकफास्ट कोई बहुत अच्छा नहीं था। वॉल्टी ने तो वो जो पैक्ड रोटी थी उसमें से स्मेल अजीब सी आ रही थी, एक ही खाई मैंने भी, एक आधी खाई, और जगह काफ़ी अच्छी है। भाई साहब आपका नाम क्या है? कुलदीप, कुलदीप जी की जगह है, ग्रीन एरिया अच्छा है, अंदर भी बैठने की जगह है, और क्योंकि वॉल्टी को खुला छोड़ना है तो इसलिए अंदर नहीं बैठेंगे, बाहर धूप में बैठेंगे। खुला इसको छोड़ दिया, थोड़ा सा इसको रिलीफ मिलेगा, अभी सीढ़ियों से ऊपर गया था, धक्के धुके खा गया है। चलो जी रोटी खाते हैं, फिर लपेटते हैं, इसको भी खिलाते हैं मलाई के साथ या घी के साथ या मक्खन के साथ, जिसके साथ खाता है। खाना आ गया जी, दिस माय फेवरेट सेव टमाटर विद द रोटी, सेव टमाटर रोटी इन सैलेड, दिख रहा है? यस। अच्छा यहाँ के जो आपको रोड साइड ढाबे मिलेंगे ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपके हाथ में मेन्यू दीजिए दी जाती है और उसमें 20-25 तरह की आइटम्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल है और मैक्सिकन और ये फूफा एंड ऑल दैट, दे हैव लिमिटेड मेन्यू एंड दैट टू अ देसी वन, या फिर आपने जो बनवाना है वहाँ का। और आई एम फॉन्ड ऑफ सेव टमाटर एज यू ऑलरेडी नो इन माई पास्ट वीडियोज़, ऊपर लिंक आ रहा होगा।
तो या और बेहतरीन भी बहुत है। पता नहीं कितने दिन बाद कच्चा प्याज एज अ सैलेड खा रहा हूँ। हरकतें देख लो जी। चार्जिंग पे ना लगाए थे मैंने अपने दोनों पावर बैंक, एक इधर लगा हुआ है एक उधर लगा हुआ है। अच्छा वाला यहाँ यहाँ पे सर रख के लेटा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि धूप ऑपोजिट है और अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट से ना थोड़ा वार्म हो गया है टेम्परेचर क्लाइमेट, भाई साहब को आ गई अब नींद। पैर देखो जरा, ये भी चार्ज हो रहा है। अभी जो रुक के लंच किया है वहाँ पे एक, मतलब मेरे को बूंदी रुकना पड़ेगा, आगे बूंदी आएगा, नाइट स्टे वहाँ लेना पड़ेगा, तो एडिट भी कर लूँगा चार्ज भी कर लूँगा सब कुछ। लेकिन मेरा जो मेजर रीज़न है रुकने का, वो कंसर्न ये है कि आज सुबह से जब से मैं चला हूँ वॉल्टिन ने ज़िद करके ना शीशा नीचे रखवाया और बाहर देखा है, मतलब लगातार 1.5-2 घंटा। और टेम्परेचर वैसे तो ठीक है, मतलब 16-17 है अभी दिन का टेम्परेचर, पर मेरे को लगता है कि इसको ठंड लग गई, क्योंकि जब अभी लंच करने रुके थे ना तो पहले तो इसने पॉटी की, और फिर पॉटी करने के बाद ना सेम पोस्चर में कम से कम 10-12 बारी दोबारा बैठा, और अब आया तो है नहीं कुछ दोबारा, क्योंकि एक बारी पॉटी कर ली लेकिन अनकम्फर्टेबल था, स्टूल पास करने का प्रेशर इसको पड़ रहा है पर अंदर मामला है नहीं, तो मेरे ख्याल से इसको ठंड लग गई है। अब इसलिए एक तो दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, अब शीशा नहीं खोलूँगा, गलती हो गई आज, लगातार इतनी देर के लिए नहीं खोलना है जितनी मर्जी ज़िद कर ले, और सेकेंडली इसीलिए कि थोड़ा रेस्ट और कर ले, ये आज स्टे हम एक होम स्टे में करेंगे, बूंदी में बुक कर लिया मैंने, और तो आज 4 बजे तक गाड़ी लगाने का डर नहीं है या गाड़ी खींचने का डर नहीं है। हाँ बस ये है कि हम थोड़ा सा पीछे हो गए हैं हमारे रेगुलर जो शेड्यूल था, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वॉल्टी इज़ माई प्राइमरी कंसर्न, उसके बाद ट्रैवल इज़ माई कंसर्न, तो वहाँ चलते हैं जी, चेक इन करते हैं। मैंने तो अच्छे से लंच कर लिया लेकिन वॉल्टी ने लंच तो किया ही नहीं, या फिर ये जो सुबह इसको मैंने रोटी दी थी ना, क्योंकि रोटी मैं रेडी टू ईट रोटी लेके गया था, वो मुझे भी खाने में थोड़ा सा अजीब लगी थी, क्योंकि एक तो उसमें से थोड़ा मुश्क आ रहा था, मतलब थोड़ी स्मेल आ रही थी, या तो मैंने अच्छे से उसको पकाया नहीं, गॉड नोज वॉट इज द रीजन, पर वॉल्टी स्टमक इज अपसेट, मतलब इसने सुबह, और एक गलती और होगी मुझसे कल से ना, मैं इसे दूध बहुत पिला रहा हूँ, शाम को चाय बनाई थी तो मैंने इसको कार्टन वाला दूध पिलाया, वो टेट्रा पैक वाला, क्योंकि उसी की चाय बन रही है, वही लेके आया हूँ। रात को फिर अंकल जी दूध ले आए थे बॉयल करके, वो इसको पिलाया, सुबह उठ के फिर मैंने टेट्रा पैक पिलाया सुबह उठते सार, क्योंकि मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, उसके बाद अंकल फिर दूध ले आए थे, अंकल वाला दूध इसे पिलाया, तो मेरे ख्याल से कल शाम से लेके अब तक ना, वैसे ही डेली बेसिस पे दूध पीता नहीं है, दूध इसका कोई बहुत स्टेपल नहीं है, स्टेपल फूड नहीं है, और पिछले शाम से अब तक ये 4 बार दूध पी चुका, मतलब 1.25 किलो तो पी चुका होगा कल शाम से, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अभी दही में पानी डाल के दिया था पर जनाब ने नहीं खाया, नहीं दिल कर रहा मेरे ख्याल से इसका, तो अभी इसे छेड़ूंगा नहीं, अच्छे से सोने दूंगा, ताकि ये जो अभी 1 घंटा और 36 मिनट दिखा रहा है, देख लो जी कितना ऑपोजिट है सन, जो 1 घंटा और ये इसका देखो अपर्चर, 1 घंटा 36 मिनट दिखा रहा है, तब तक हमारा जनाब नींद पूरी ले ले। ये जो किले हैं ना आपको हमेशा माउंटेन टॉप पे मिलेंगे, इसका रीजन है। अरे यार बच गया, ये देख लो जी, मतलब जनाब कहीं से भी कहीं भी, खूब छोटे छोटे पिल्ले ना बहुत है रोड पे। तो जी हाँ, किले हमेशा पहाड़ों पे क्यों होते हैं, अगर कभी आपने सोचा हो, स्पेशली राजस्थान में, और कहाँ पे हैं, पटियाला में हैं, पंजाब में हैं, लेकिन वहाँ पहाड़ नहीं है,
लोग अगर पहाड़ हैं तो हमेशा पहाड़ की चोटी पे क्यों होता है किला? ये कोई महाराजाओं का फिटिश नहीं था कि पर्टिकुलर उस जगह पे बनाएंगे, ये इसलिए होते थे कि जब दुश्मन सेना अटैक करेगी, दुश्मन सेना जब आप पे अटैक करेगी तो वो हमेशा नीचे रहेगी, आप हमेशा ऊपर रहोगे, तो उनको उनके हथियार ऊपर तक पहुंचने में, हथियार मतलब जो तीर वीर हो गए एंड ऑल दैट उस जमाने में जो होता था, या उनको खुद को ऊपर पहुंचने में एफर्ट लगेगा, और आपको तो जी ग्रेविटी की मदद मिल जाएगी, आपने तो ऊपर से पत्थर नीचे और नीचे कांड हो जाएगा। तो इसलिए राजस्थान में जितने मतलब 90% ऑफ द किलाज आर ऑन माउंटेन टॉप्स, और उनकी चार दीवारी पे ना, जैसे मैंने जैसलमेर का किला देखा था, अभी जा रहे हैं जैसलमेर के रास्ते में ही है वैसे, फाइनल अपना हिट इज जैसलमेर ओनली, तो जैसलमेर के किले के अंदर ना उन्होंने क्या किया हुआ है, उसकी चार दीवारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ स्टोन रखे हुए हैं गोल गोल। तो पूछने पे पता चला था जी, जब मैं कभी पहले गया था जैसलमेर, कि इसलिए रखे हुए हैं कि यहाँ से तो तोप वोप की ज़रूरत ही नहीं है, दुश्मन ने करा अटैक और ये यहाँ से बस इनको धक्का देना होता था, जब एक साथ 100 बड़े पत्थर नीचे गिरेंगे तो दुश्मन सेना किधर किससे बचेगी, तो फिर ऐसे करते करते ना दुश्मन सेना ऐसे ऐसे हो जाती थी और वाइट झंडा फहरा देती थी। शाणे तो बड़े थे भाई साहब। हीरो मान नीरा, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी ना इसने बाहर देखना, मान नीरा नजारा देखो जी बाहर। I'm happy कि हम राजस्थान आए। I'm so happy कि हम राजस्थान आए इस क्लाइमेट में, विंटर्स में, क्योंकि समर्स में तो ना हिसाब सामने देखो, समर्स में तो ना कैन यू सी द कलर्स, समर्स में ना गर्मी बहुत होती है और अभी विदाउट एसी मजेदार राजस्थान की सड़कें, टैंक हमारा फुल है, बूंदी पहुंचने में 1 घंटा है, अभी रास्ता हमने गलत ले लिया था, दोबारा से सही रास्ते में पड़े हैं। ये देखो रास्ता तो एज यू ऑलरेडी नो, जब मैं चला रहा हूं तो 10 में से 4 बार तो रास्ता गलत होता ही है, फिर चाहे गूगल मैप हो, जिस मर्जी की सहायता ले रहे हो, सैटेलाइट मैप दे दो, चाहे हर आदमी की खूबी होती है, मेरी खूबी है। अभी तो तू ड्रामे कर रहा था, हैं? अभी तू ड्रामे कर रहा था ना तू ड्रामे, कितना प्यार लेगा, तारों में ना तेरा कान लग जाएगा और तू भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा, होना चार्ज, लगाऊं कान में, अच्छा दांत तो दिखा दे, ऑलरेडी मजा आ रहा है तेरे को, सच्चे सच्चे होता मजा आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, आ तो रहा है भाई साहब। खाना नहीं खाया तूने, बिस्किट खाया, दे रहा हूँ स्वीटहार्ट। अच्छा ये तेरे भी फेवरेट है, मेरे को लगता है तेरे को सिर्फ पार्ले जी अच्छे लगते हैं।
तोड़ के देता हूँ तेरे को, तू मानता नहीं है। बाल्टी गले में न फंसा लियो, ये ले इधर आ, इधर आ मेरा बच्चा, इधर से खाओ। हाँ गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, खाओ। ओटा जान के दे रहा हूँ गोल्टी, गुस्सा मत हो, जान के दे रहा हूँ, तेरे को पता ना तेरी हरकतें गले में फंसा लेता। तेरे ही हैं सारे, तेरे ही हैं, डोंट वरी। अब खा तो ले यार बाल्टी, ऐसे क्यों करता है मेरे बच्चे। अच्छा इधर खा, बाल्टी यार खा ले तेरे, क्या ये फिर पानी इसी में दूंगा ना, पानी इसी में दूंगा, ले मेरा बच्चा, हैव इट। अच्छा सॉरी, खा ले यार बाल्टी यार, क्यों टंटे कर रहा है सामने तो ये चाल। एनसीसी में जाते थे ना कॉलेज में, एनसीसी की है तो ट्यूसडे और वेडनेसडे एनसीसी होती थी आफ्टर कॉलेज। एनसीसी डेढ़ दो घंटा करने के बाद, ड्रिल करने के बाद, ड्रिल तो हम क्या ही करते थे, मकरापंती करने के बाद चाय और मट्ठी मिलती थी या केला मिलता था या बिस्किट मिलते थे, वो 3 साल की चाय और बिस्किट वो कभी भूलेंगे नहीं। खा ले मेरे बच्चे, इतने नखरे से मत खा। दोस वर द डेज, पीछे क्या है गेड़ा मारने जाता है बाल्टी, तो बस हो गया, पानी पिएगा, रुक जा देता। अब ये क्या संभालूं मैं, गंद पा दिया बाल्टी तूने बेटे। घेर मत दियो, इसको रखो। और पी ले, थोड़ा सा और पी ले, थोड़ा सा और पी ले, फिर मैं फेंक दूंगा ना, थोड़ा सा पी ले यार, नखरेलू पी ले मेरे बच्चे। तो क्या लगता है, दांत दिखा दे। अच्छा पी ले, पी ले थोड़ा सा पी ले। अभी भी 1.25 घंटा पड़ा है, निकले थे 1:40 था, 2.5 घंटे हो गए। अच्छा बैठ जा, बैठ मेरा बच्चा नीचे, पेट भर गया, गुड बॉय। पानी पी लिया, मैं अभी भी प्यासा हूँ, कोई बात नहीं, तू चल।